मॉर्निंग एवरीवन। रात को सोने से पहले और सुबह उठने से पहले इतना डिस्टर्ब करता है। हेलो हेलो, आ जाओ, सबको गुड मॉर्निंग बोल दो। पूरी रात ये क्वीन साइज बेड में मैं, मिथुन और ऑस्कर, और ऑस्कर का सोने का कोई ठिकाना नहीं है। मतलब एक ही साइड पे सोएगा, ऐसा कुछ नहीं है। कभी मेरे पैर के नीचे, कभी मिथुन के पैर के ऊपर। मिथुन तो एकदम सीधा होकर सोता है। कभी कभार मेरे और मिथुन के बीच में कंबल के ऊपर, जबकि अगर ठंड भी लगती है तो कंबल ऐसे खींचो तो वो नहीं आता। अभी बिल्कुल गुटली मार के, और कभी कभार बिल्कुल डोनट बन के सोया हुआ रहता है। कभी जगना है, सॉरी उठना है, और बाहर का मौसम इतना अच्छा है, बहुत अच्छा है बाहर का मौसम। सुबह सुबह नेचर को देखने का मौका बहुत ही आयसुदीम होता है, और यहाँ पे इतना ज़्यादा पेड़ पौधा से भरा हुआ है, बिल्कुल पूरा दिन बन जाता है। मैं तो फ्रेश हो चुकी हूँ, और भी मिथुन दिखा दिया ना, वैसे घर में चलते हुए ब्रश करते हैं, ये उनका बहुत पुरानी आदत है, पर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता ब्रश करते हुए। वॉशरूम से या बेसिन के बाहर निकालना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता ब्रश करते हुए। पैदा हुए जो जिनका आदत है वही, उनको मुबारक हो। आज घर में बनेगा धोखा। धोखा के लिए चिक पीस का जो दाल है वो मैं भिगो के रखी थी कल, तो इसे थोड़ा सा ब्लेंड करना पड़ेगा। ब्लेंड करने के बाद धोखा बनाऊंगी, तो इसका रेसिपी भी आज के साथ मैं शेयर करूंगा। बंगाली को शेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये हमारा बंगालियों का एक बहुत ही पॉपुलर डिश है। पर इससे पहले हम बना लेते हैं चाय। मासी भी आ गए तो 3 कप चाय। मासी और धोखा दूंगी, हाँ आज तुम्हें मैं धोखा जरूर दूंगी। उससे पहले चाय पिला दो। चाय बना रही हूँ। मासी ऑस्कर को कोला खिलाते, केला खिलाते, और उसके बाद दाल को फिर ब्लेंड करना है। जहाँ पे हम सब वही पे ये जाके लेटा रहेगा, कहीं पर भी अगर थोड़ा सा हम बात करने के लिए दो एक लोग अगर इकट्ठा हो तो वही पे उसे रहना है। खड़े होकर ना आप एक भी इंसान देख नहीं पाओगे। जब पहले वाला फ्लैट में हम थे रोजडेल में, वहाँ पे जब भी आप घर में भी शूटिंग करो, इतना ज़्यादा कार का आवाज़, इतना ज़्यादा ट्रैफिक का आवाज़, आप शूट नहीं कर पाओगे। पर लोग बहुत ज़्यादा दिखते थे, वो एक अलग ही, मतलब एक अलग ही वाइब था। और यहाँ पे जब भी आप खड़े हो तो एक इंसान देखने के लिए आप तरसोगे। चारों तरफ खेती हो रहा है, बड़े बड़े बिल्डिंग से ऑफिस ज़्यादा है, या फिर ये ऑफिस पारा आप बोल सकते हो, पर इंसान नहीं दिखेगा। स्ट्रीट डॉग्स भी देखेगा, इनके साथ भी बहुत टाइम हम स्पेंड करते हैं। जैसे कि अभी सामने दुर्गा पूजा आ रहे हैं ना, तो दुर्गा पूजा के टाइम में अगर दूर दूर में थोड़ा सा ढाकेर आवाज, और थोड़ा सा लोग शॉपिंग करके घर जा रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, ये सब चीज़ अगर आपको नहीं मिले तो वो पूजा वाला भाई आता है। ये जो एक टाइम है ना, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक, यानी कि दिवाली तक, ये जो 3 महीना है ना, ये 3 महीना मुझे कोलकाता से ज़्यादा अच्छा कुछ नहीं लगता। इंडिया में मुझे लगता है कहीं पर भी मुझे रख दो, मैं चाहूँगी कि ये 3 महीना मैं कोलकाता में रहूँ, क्योंकि यहाँ पे पूजा का जो वो एक मज़ा है, वो जो एक वाइब है, वो शायद किसी और जगह पर नहीं होगा। जस्ट मैं नहाने गई थी, और इस टाइम में इतना ज़्यादा बारिश स्टार्ट हो गया, और मिथुन इसी टाइम में गए हैं बाजार। ऑस्कर का मटन नहीं है इसलिए। ऑस्कर खोलू, खोल दू, बाप रे इसे खोलना भी मुश्किल है, इतना हवा चल रहा है, देखो बाप रे। एक्चुअली ये जो प्लांट है ना, ये एक्चुअली बाहर रखने के लिए, पर कभी कभार ये घर के अंदर इतना अच्छा लगता है तो इसलिए घर के अंदर ले आती हूँ। पर अभी देखो, जबकि बारिश का पानी इसमें जा रहे है और धूप भी लग रहा है, तो कितना अच्छी तरह से ग्रो कर रहा है। बीच में तो अभी मैं लंच बनाने आ गई। ये रहा
कि मैंने अच्छे से ब्लेंड करके रखा है, तो इसके लिए थोड़ा सा स्मूथ पेस्ट चाहिए। और इसके साथ मैं ऐड करूंगी जिंजर पेस्ट, साथ में थोड़ा सा ड्राई स्पाइसेस, मैं यहाँ पे थोड़ा सा टर्मरिक यूज करूंगी, थोड़ा सा क्यूमिन पाउडर, कोरिएंडर, सॉरी ये कोरिएंडर पाउडर है, ये रहा क्यूमिन पाउडर, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, शुगर ये ऐड करके कोई फायदा नहीं है, मैं वो डस्ट वाला यूज करती हूँ, शुगर पाउडर। अब इसे अच्छे से मिक्स करना है और उसके बाद मैं ऑयल में थोड़ा सा कुक करूंगी। उसका कभी टेस्टी होता है पर ये वाला उनका टेस्टी होता है। यहाँ पे तो सारे मैंने अच्छे से फ्राई कर लिया है, थोड़ा सा लाल लाल होकर फ्राई किया है तो ताकि ये टूटे ना, वैसे भी ये थोड़ा सा ओवर कुक हो गया था शायद, तो ओवर कुक की वजह से थोड़ा शेप अच्छा नहीं आया, क्या बोलो, अपना गलती थोड़ा सा हंस के बोलना चाहिए। तो बाय द वे अभी मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल है, इसमें मैं थोड़ा सा घी ऐड कर देती हूँ, एक्चुअली ये वेज रेसिपी है ना, तो इसमें जो मैं मसाला यूज कर रही हूँ वहाँ पे अनियन और गार्लिक के अलावा हर एक चीज है, तो ये है हींग, सबसे पहले थोड़ा सा हींग ऐड कर लेते हैं, ये पूरा जो मसाला है इसमें सारे पाउडर मसाला, टमाटर, ग्रीन चिली, जिंजर सब कुछ मैंने ऐड कर दिया, ये भी छौंक देते हैं। चलो हो गया तैयार हमारा धोखा डालना, अभी अच्छा भी दिख रहा है पर बहुत डर लग रहा है, ये जो मैं ट्रांसफर करूंगी ना तो सारे गल ना जाए इसके अंदर। कुछ टूट गया है और कुछ जिंदा है, तो ये सब मिला के हो जाएगा, मतलब जो भी हो हर एक दिन ना एक समान नहीं होता, कभी अच्छा हो जाता है कभी गलत कुछ हो जाता है, तो आज का जो सॉल्ट है वो परफेक्ट है, आज का जो टेस्ट है वो बिल्कुल परफेक्ट है, पूरा जगह गिला गिला, बैल्कनी में बैठना भी एक प्रॉब्लम है, जब गर्मी होता है तो इतना ज्यादा गर्मी होता है कि यहाँ पे बैठा नहीं जाता, और जब बारिश होता है तो इतना ज्यादा बारिश होता है कि यहाँ पे बैठा नहीं जाता, थोड़ा सा बैठ जाते हैं, थोड़ा सा इस बारिश को और पत्ते से, ये जो पेड़ है ना पेड़ के जो पत्ते से थोड़ा थोड़ा पानी की बूंद गिरते हैं ना, उसे हम बहुत एंजॉय करते हैं, बहुत अच्छा लगता है, और स्पेशली इस चीज को। कभी किया है ऐसा? अगर नहीं किया है तो कभी करके देखना, बहुत मजा आता है। कितने दिन हो गया कि बालकनी में हम अच्छे से कोई इवनिंग स्पेंड नहीं कर पा रहे, जब भी इवनिंग का टाइम होता है तो इतना ज्यादा बारिश हो जाता है। जस्ट इंस्टा शूट के लिए तैयार हो ही रही थी तो इसी टाइम में मिथुन भी आ गए, तो मिथुन भी खा रहे, तो उसके साथ साथ मैं भी थोड़ा सा धोखा को टेस्ट कर लेते हैं। क्या हुआ? ठीक ठाक बना, बहुत यम्मी कुछ नहीं पर ठीक ठाक, थोड़ा सा कर्ड, थोड़ा सा कैशू पेस्ट अगर ऐड करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है ना, अच्छा लगता है, लेकिन वो रिच हो जाता है। अच्छा, अभी बजे है घड़ी में 5:32, काफ़ी टाइम हो गया, मतलब वो लंच के बाद ही वो चले गए फिर से ऑफिस, तो अभी मैं एक कप चाय पीऊँगी और उसके साथ एक ब्रेड टोस्ट लूँगी, क्योंकि शाम के टाइम में मुझे सच में भूख लग जाता है, और जिस दिन मैं बहुत ही लेट लंच करती हूँ तो उस दिन उतना भूख नहीं लगता, उस दिन मिथुन आने तक मैं वेट करती हूँ, पर आज मुझे बहुत भूख लगा है और शूट मेरा कम्प्लीट हो चुका है, तो अभी इसे भी मुझे रिमूव करना है। अगर काम काज हम सब कुछ कर रहे हैं, सब कुछ रूटीन जैसा चल रहा है, पर यूट्यूब जॉब खोलती हूँ तो सिद्धा शुक्ला पे जब फोटोज आ रहे हैं ना, उनके लिए जो लोग वीडियोस बना रहे हैं, फिर उनके जो पहले का एक्टिविटीज ये सब आ रहे हैं ना, जैसे लग रहा है कि मतलब समय जैसे बिल्कुल थम सा गया है,
उसके बाद अब कोई काम करने का मन नहीं कर रहा है। तो उसके बाद जो हाँ जो मैं कंटिन्यू कर रही थी, अभी जाके चलो यूट्यूब देखना हो गया, अभी जाके वो काम कंटिन्यू करे, वो काम कंटिन्यू करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। और सेम चीज मेरे साथ हुआ था जब प्रत्युषा बनर्जी का जब डेथ हुआ था, सेम चीज हुआ था मेरे साथ। जब भी उनकी बात याद आती है ना, मतलब इतना बुरा लग रहा है। और जब भी वो बालिका वधु याद आ रही थी, तब भी मुझे उसका फेस जैसे मेरे आंखों सामने आ रहा था। जो लाइट था ना यहाँ पे, जो मेरा ये वाला जो लाइट है उसका क्या बोलते उसे, जिसके साथ उसे सॉकेट में जो लगाते हैं ना, वो वाला पार्ट खराब हो चुका है। उसे क्या बोलते मुझे पता नहीं। इवनिंग के टाइम में सिर्फ ये जो घर का लाइट्स है ना, ये ना जले तब भी चलेगा। कोई ना कोई फेयरी लाइट्स मुझे जरूरत पड़ती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। वैसे भी अभी दिवाली तो आने भी वाला है, तो दिवाली के टाइम में हर साल दिवाली में इतना इतना मैं लाइट्स खरीदती हूँ। तुम बोले उसके बाद ये सारे लाइट्स कहाँ जाते हैं? हर साल कोई थोड़ी लाइट्स लेते हैं, एक साल लाइट्स लेते हैं, अगर वो खराब नहीं होता है तो वो पूरे मतलब सालों साल वो चलता है। मेरे लाइट्स तो खराब हो जाते हैं। यहाँ पे मैं बैठी हूँ तो वो वहाँ पे सोया हुआ था, इसलिए फैन ऑफ नहीं किया। यहाँ पे रॉकी कुछ जूस मंगवाए थे, यहाँ पे एक साइड है साइड से मंगवाए थे। ये रहा गोंधराज लिप, ये रहा पियर्स, और ये रहा रॉकी जूस। ये एक्चुअली प्योर जूस होता है जिसमें प्रिजर्वेटिव नहीं रहता, ये लोग क्लेम करते, मुझे नहीं पता ये लोग क्लेम करते, इसलिए प्राइस भी बहुत ही ज़्यादा लेते हैं। एंड दो दिन से ज़्यादा नहीं रहता, चार पांच जूस ले ली है। अदरवाइज आर्यन बहुत प्रॉब्लम करता है, उसे रियल जूस पीना है, उसे टॉपी करना पीना है। वो भी शायद अच्छा है क्योंकि अभी तक तो हम वही पीते थे, पर बैंगलोर में हमने फर्स्ट देखा कि रॉ का जूस, फिर कोलकाता आने के बाद नहीं मिला। फिर अभी जो एक साइट हम यूज़ कर रहे हैं उस साइट से देख रहे हैं कि ये सारे जूस है। फ्रिज में और जगह नहीं बचा कि मैं कुछ रखूं। अभी 7:45 बज चुके हैं, तो लगभग 7:15 के अंदर मित्र आ जाते, 7:15 या बहुत अगर लेट होता है तो 7:30 के अंदर आ जाते। तो यहाँ पे खड़े होके मैं वो जो रोड है ना, इस रोड से सब आते हैं इस बिल्डिंग में, जिनको भी आना होता है उस रोड से आते। तो यहाँ पे खड़े होते होके मैं कंटिन्यूसली देखती जाती हूँ कि हमारा कार आ रहा है कि नहीं। इस तरह से जब देखती हूँ कि वहाँ पे मिथुन आ गए, तब घर चली जाती हूँ दरवाज़ा वजा सब कुछ बंद करके, फिर जाके मैं चाय चला देती हूँ। बस मतलब एवरी डे यही होता है। तो अभी भी यही पे खड़े होके मैं रहूँगी और आपके साथ भी यही पे मैं विदा लूँगी, ताकि कल फिर से हम आ सके एक नए वीडियो के साथ। तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही, तो फिर आपसे मिलेंगे और एक नए वीडियो में। तो अभी के लिए बाय बाय। I think I like it how it is.